गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एक वाह, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 लेसन 2 मोरो वाला स्कूल। तो इस पाठ के लेखक है प्रकाश मनोज जी हैं। तो प्रकाश मनोज जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 12 मई 1950 को सिकोहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये कहता है कि यह बाल साहित्य के लोकप्रिय साहित्य माने जाते हैं। ये अपनी रचनाओं से बाल पाठकों के मन को रोमांचित और आनंदित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस संसार में, जगत में पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीव है, पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीव है, उसमें भी सोचने समझने की शक्ति है, वे भी अपनापन दिखाते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत यह कहानी है मोरों वाला स्कूल। ठीक है, अब हम लोग इस कहानी की ओर चलते हैं कि इस कहानी में एक तान्या नाम की एक लड़की है, वह अपने मां के साथ स्कूल पहुंचती है, और स्कूल जब पहुंच रही है तो देखा कि 4-5 मोर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। बच्चे दूर से ही देखकर उसका आनंद लेते हैं, प्रसन्न हो रहते हैं। उसी समय स्कूल की एक मैडम, जिसका नाम आरती था, मैडम आरती वहां पर आती है, और जो भी वहां बच्चे थे उन बच्चों के पास आकर कहती है, अरे यहां क्या हो रहा है, चलो सब अपनी अपनी कक्षा में। आरती मैडम का कहना अभी खत्म भी नहीं हुआ था, वह कह ही रही थी तब तक में सभी बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए वो मोर है ना, वह क्या कहते हैं कि देखिए, सभी चिल्लाए, मैडम वो मोर देखिए। तब जो है मैडम भी वहां देखती है कि वहां उस पेड़ के नीचे 4-5 मोर हैं। उसे देख 4-5 मोर को देख करके वह भी अचरज में पड़ जाती है। तब स्कूल के चपरासी का नाम था राधेला। तब जो है वह आया और कुछ दाना लेकर के आया, वहां पर वह बिखेर दिया। शायद मोर भी भूखे होंगे, वह भी वहां तुरंत आ गया और वह चुनने लगा, झट से वहां आ गया और बहुत ही मजे से खाने लगा। वह जरा भी नहीं डरा कि आगे क्या होगा, कोई पकड़ लेगा या कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैडम ने बोली, अब सभी अपने अपने कक्षा में चलो। सभी अपने कक्षा में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में वह सभी बच्चे मुड़ करके पीछे देखते हैं मोरों की ओर। कि तभी वह क्या बोले मैडम कि सभी अपने अपने कक्षा में चलो, और नहीं तो कितनी भीड़ देख करके मोर भी भाग जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे। पर बच्चे कक्षा में जाते हैं लेकिन बीच में मुड़ करके वे देखते हैं मोरों को। अब मोर रोज आने लगा। यह सिलसिला 15-20 दिनों तक चलता रहा। यह इतनी ही निराली घटना थी कि देखते ही देखते पूरे स्कूल का माहौल ही बदल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तब फिर क्या हुआ कि बच्चे इतने उत्साहित थे, क्या किसलिए उत्साहित थे, उन मोरों को देखकर। जैसे उन सभी बच्चों को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया, इतने उत्साहित थे। स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम था
आनंद, सभी उसको आनंद सर कहकर पुकारते जानते थे। वह आनंद सर बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी, जब बच्चे को वह प्यार करते थे तो बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते थे। बच्चों को प्रसन्न देखकर वह तो प्रसन्न हुए ही। तब उन्होंने राधे लाल को आदेश दिया कि जाओ दाना लेकर के आओ और मोरों के बीच बिखेर दो। वो गया, वह दाना लाया और मोरों के बीच दाने डाल दिया। और ध्यान रखना, इन मोरों को किसी तरह का नुकसान है, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इन मोरों का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, आदेश दिया गया। और उन्होंने वैसा ही किया। बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं था। राधेलाल मोरों के आगे जो है वह दाना को डाल देते थे, वह खुशी से वह किलकारियां मारते। कौन? बच्चे भी, बच्चे तो प्रसन्न हो जाते हैं, मोर भी खुश हो जाते हैं कि उसे दाना मिल गया। तब जो है एक दिन आनंद सर प्रार्थना सभा में सभी को बोला गया, कहा कि जैसे तुम सारे बच्चों को यह स्कूल अच्छा लगता है, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल अच्छा लगा, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल अच्छा लगा, यहां के बच्चे भी उन्हें अच्छे लगे। अब कोई ऐसा काम ना करना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें दुख, उन्हें किसको, मोरों को। तब जो है ऐसा समझा दिया। अंत में उसे कहा गया कि देखो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उसे नहीं दोगे ना। तो सभी बताए कि ठीक है, नहीं देंगे। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ा है। बच्चों के होता है कि बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ा है। शायद मोरों को भी अच्छा लगा तो उसके साथ साथ और भी मोर वहां पर आने लगे। काफी देर तक वे स्कूल में हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते, फिर उड़कर कहीं चले जाते। आनंद सर कौन थे? उस स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उसने उसके लिए खेल के मैदान में एक ओर क्या किया, एक ओर मिट्टी का एक टीला बना दिया, ऊंचा कर दिया और वहां हरी भरी घास लगवा दिया और बहुत सारे क्या हुआ, पौधे भी लगवा दिए। मोर वहां आकर बैठ जाते। स्कूल के सभी बच्चे मोरों से बहुत प्यार करते। वो तो बच्चे हैं, मोरों को देखकर वो बहुत खुश हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक शरारती लड़का उन मोरों में से एक मोर को गुलेल से मार, गुलेल चला दिया पत्थर। ऐसे क्या हुआ कि उस मोर के पैर में पत्थर बहुत जोर से लगा, वो घायल हो गया और वहीं पर वह गिर गया। बाकी मोर देखकर हवा में मानो मोरों की दर्द भरी आवाज गूंजती रही। तब जो है स्कूल के प्रधानाचार्य जो आनंद सर के नाम से जानते थे, आनंद सर वह दौड़े हुए आए और घायल मोर को वह उठा लिया। बच्चे भी वहां, सारे बच्चे भी आ गए। तो आनंद सर आए और क्या किए, घायल मोर को गोद में उठा लिए। तब फिर क्या होता है, पता चला कि यहां कोई शरारत, जो सुनील उसका नाम था उस लड़के का, यह शरारत उसी का काम है, उसी ने यह शरारत किया है। अगले दिन उसको प्रार्थना सभा में बुलाया गया। आनंद सर ने उसे समझाया कि सुनील अपने पास क्या है, उसको अपने पास बुलाया, उसे समझाया कि सुनील मोर को बहुत चोटें आई है, उसे ठीक होने में सप्ताह भर का समय लगेगा, अब उसे देखभाल, उसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम उसकी देखभाल सही ढंग से करना। सुनील की आंखों में आंसू थे। क्यों आंसू आ गए,
कि उसको समझ में यह आ रहा था कि यहाँ भी जितने छात्र हैं उन सभी को मेरे प्रति गुस्सा होगा, मेरे प्रति गुस्सा होगा क्योंकि मेरे द्वारा यह मोर घायल हुआ है। तब जो है वे अपना सिर झुका लिए शर्म से, घायल मोर को चारों ओर, यानी कि वहां जो कई मोर थे उनके चारों ओर घेर लिए, हर पल दुखी मन से घेरा बनाकर खड़े रहते। सभी के मन में एक प्रकार का दुख दर्द था कि उसका साथी था, उसके साथी को यह कष्ट हो रहा है। तो सुनील घर से मोरों के लिए दाना लाते और उन्हें प्यार से खिलाने का प्रयास करता, घर से दाना लाता और उन मोरों को प्यार से खिलाने का प्रयास करता, लेकिन मोर उसकी ओर देखता तक नहीं। ऐसा हो गया, वे बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी पिला देते। कुछ दिन बाद मोर उड़ने लायक हो गया, तब जो है उसके साथ बाकी मोर भी उड़ गए। इसके बाद 4 दिनों तक वे मोर वहां पर नहीं आए। कहां पर? स्कूल में। 4 दिनों तक नहीं आए, स्कूल में सन्नाटा छा गया, मोर के बोले सन्नाटा छा ना, एकदम बिल्कुल शांत। तब जो है सबका यही कहना था, वहां जितने भी छात्र छात्राएं सबका कहना यही था कि अब मोर जो है यहां से मोर अब यहां नहीं आएगा क्योंकि वे सब नाराज हो गया है ना, अब यहां कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 5वें दिन फिर आ गए, सभी मोर आ गए। जिनको चोट लगी थी वह भी था, वह लगभग ठीक हो चुका था। ठीक है, तब क्या हुआ कि अब सबसे ज्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देने लगा। सुनील ही मारा था गुलेल से, अब क्या सुनील उसकी सेवा किया, अब वही उसके सबसे ज्यादा वही उसके आसपास दिखाई देने लगा, जैसे मानो वह उन मोरों से वह क्षमा मांग रहा, माफी मांग रहा हो। सुनील रोज उसके लिए दाने लेकर आता और क्या करता, अपने हाथों से उसे खिलाने लगा, खिलाना शुरू कर दिया। तब जो है वह भी मोर उसके हाथ से जब खाने लगा तो उसको ऐसा लगता था, ऐसा खुशी होता था, लगता था कि मोर की तरह वह भी नाचने लगे। सुनील को जब यह समय मिलता वह मोरों के पास जाकर खड़ा हो जाता, मोर अपनी आवाज, मोर का आवाज होता है क्यों क्यों, नहीं क्यों क्यों कर मानो सुनील का स्वागत करने लगता, वह भी प्यार से उसे पुचकार देता, पुचकारना अर्थात पुचकार देना, उसे प्रेम करना। सब लोग कहने लगे सुनील तो बिल्कुल बदल गया है। एक दिन स्वयं आनंद सर ने देखा, आनंद सर कौन थे, उस स्कूल के प्रधानाचार्य थे, तो उन्होंने देखा कि इस उन्होंने देखा कि पास आकर उसकी पीठ, सुनील को जब देखा तो पास आकर तो उसकी पीठ थप थपाई, क्या देखा कब, कि बच्चे मोरों के इर्द गिर्द हुआ है, दाना लाकर के उसे खिला रहा है। वहां के जो प्रधानाचार्य थे वे खुशी से उनको बुलाया, उनका पीठ थप थपाए। तब जो है अगले वर्ष जब नया साल आया, नए सत्र के लिए बच्चों के लिए प्रवेश देना था, नए नए बच्चे को आना था, आनंद सर ने अर्थात प्रधानाचार्य ने स्कूल का एक विज्ञापन निकलवाया। उसने क्या लिखाया था, नन्हे मोरों के लिए, नन्हे बच्चों के लिए मोरों का स्कूल, विज्ञापन में लिखवाया नन्हे बच्चों के लिए मोरों का स्कूल। तब जो है विज्ञापन पढ़कर बहुत सारे गार्जियन व बहुत सारे माता पिता विज्ञापन को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे कि यह मोरों वाला स्कूल क्या होता है ना। तब जो है सभी वहां जानने के लिए उत्सुक हुए, जाकर के देखना चाहिए। तब जो है अपने अपने बच्चों को लेकर के उस स्कूल में पहुंचे, दूसरे स्कूल के बच्चे और अध्यापक भी उत्सुकता से देखने आते कि भला ये कैसा स्कूल है। फिर बारिश के मौसम में हम लोग जानते हैं कि बारिश के मौसम में क्या है, मोर नाचते हैं, तो बारिश के मौसम में
स्कूल में मोर का सप्ताह मनाया गया। क्या मोर सप्ताह मनाया गया, इसमें नृत्य और गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया, अपने स्कूल के तो थे ही, अन्य स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। कई वर्ष बीत गए, मोर अब भी उस स्कूल में घूम घूम कर झूम झूम कर वे नाचते हैं। पेड़ों के झुरमुट के बीच अपना डेरा बना लिया कौन, मोरों ने। बारिश में तो हर रोज ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। कब, बारिश में, बारिश के समय हर रोज मोर वहां नाचते हैं। अब बच्चे देख करके वह खुशी से वह झूम उठते हैं, रोमांचित कर देती है। हमें आशा है कि यह कहानी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी इस कहानी को समझ गए होंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द है अंडरलाइन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आगे आप सभी को इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देंगे, ठीक है। धन्यवाद।